गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और उसके बाद मैं ब्लॉग कर नहीं पाई। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हमने बस खाना खाया। बुआ ने हमारे लिए पराठे बनाए थे और उसके बाद फिर हम लोग सो गए। अभी मूड है, फटाफट से हम लोग नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं बाहर को। दोस्तों, हमें निकलने से पहले याद आ गया कि हमें झंडा लगाना है छत पर, क्योंकि आज पब्लिक डे है। तो बुआ हमारे झंडे के साथ, और हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। बोल रही है, चल लगाते हैं। आज रिपब्लिक डे है, सामने स्कूल है, सामने पहाड़ है सारे, और सामने पहाड़ है। बहुत पीस में घर है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ हम लोग दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद इतने क्योस में है ना, वही पहाड़ आके अपना बढ़िया सा घर हो, शांति हो, ये हर यंगस्टर बोल रहा है। ठीक है, हर किसी को पता चल चुका है कि अब कुछ नहीं रखा है इतने क्योस में, आपको पीस चाहिए। और तो पीस अगर आपको चाहिए तो आपको एक घर हो पहाड़ में, और वहाँ पे बढ़िया सा कैफे हो, ओहो बढ़िया ज़िंदगी कटेगी, है ना बिल्कुल। हवा चलेगी तभी फैलेगा, लहरेगा, झंडा हुआ वो फिर। तेज हो जाती झंडा लगाना है, मेरी बात कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग नाश्ता हम सोचे ना करें, अभी हम लोग घर जाए, हम लोग पहाड़ जाए और वहाँ पे दो गांव में पकौड़ी खाएं। तो वहीं अब तो स्ट्रीट फूड खाने में ज़्यादा मज़ा है पहाड़ में, घर में नहीं, क्योंकि हम लोग घूमने निकले हैं तो रास्ते में मिलते हैं हम। तो दोस्तों, हम लोग तैयार हो गए हैं और पापा को बुआ के यहाँ पर छोड़ दिया है, और हम लोग अब अल्मोड़ा को निकल, और हम लोग निकल रहे हैं। गाड़ी लगती है तो आपको फिर से दोबारा आती है। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं अल्मोड़ा की ओर। पहले नैनीताल फिर अल्मोड़ा, पहले नैनीताल, नैनीताल और फिर उसके बाद अल्मोड़ा। तो देखते हैं, धूप निकल रही है यहाँ तो पहाड़ में, अच्छा वेदर हो रहा है, सही हो रहा है, साफ मौसम हो रहा है, साफ मौसम हो रहा है। अभी हल्द्वानी इतना खाली खाली है, मेरे कोई कजन भी नहीं है, ना किन्नी है, ना भानु है, ना टुक टुक है, हम लोग तो बचपन से आते हैं यहाँ, ना गुड्डो है। पहली बार हल्द्वानी इतना खाली खाली लग रहा है, ना चाचा है यहाँ। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे जब सब सारे कजन होंगे ना तुम्हारे, तब आएंगे यहाँ से, कोई बात नहीं, पास से दिखाएंगे तुम्हें पहाड़। अच्छा हो रहा है वेदर, चलो फिर रास्ते में कुछ मिलता है, पहुँच के वहाँ का वेदर दिखाते हैं कैसा है और बताते हैं। रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस। दोस्तों, हम लोग भीमताल लेक पहुंच चुके हैं। ये हम भीमताल लेक पहुंच गए हैं, बहुत सुंदर हो रहा है यहाँ, ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है, धूप निकल रही है पहाड़ों में। अब हम लोग कुछ खाना खाने जा रहे हैं। हाँ, भीमताल सुंदर है, बड़ा कितना है, कितना सुंदर लग रहा है, अति सुंदर हो गया। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, अब हम लोग कुछ खाएंगे, मैगी या पकौड़े, यहाँ पे फेमस है कुछ रायता, सर्दी का रायता, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है भीमताल। दोस्तों, हम लोग नैनीताल, सॉरी भीमताल, नैनीताल नहीं, सब एक जैसे ताल हैं। हम लोग भीमताल पहुँच चुके हैं और हमें भूख लग गई है तो हम कुछ खा रहे हैं। क्या अच्छा है यहाँ पे पिंचू? अच्छा है मैगी या फिर झोली भात खा लेंगे। झोली भात, देखो मैं पहाड़ी नहीं हूँ, ये पहाड़ी है तो मुझे पहाड़ का कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ से ऊपर पड़ता है, उस तरफ नौकुचिया ताल पड़ता है और आगे सात ताल पड़ता है। सात ताल, अच्छा ये अपना भीमताल है ना। धूप निकली अच्छी, तो देखो कुछ खाते हैं यहाँ पर। धूप नहीं, घाम निकले, अच्छी घाम निकले।
पिंचो खुश है। ब्लॉक कर दे। अभी तो अचार है। कैसा है पिंचो, खा के बताओ। सही है? अच्छा। चलो मैं भी अपना पराठा खाती हूँ। तो दोस्तों हम लोग भीमताल में हमने खाना खा लिया है और अब हम लोग भीमताल से निकल रहे हैं और हमें रास्ते में जोई भात पिंचो, हाँ। जोई भात होता है कुछ डिश पहाड़ में, तो हम लोग फिर वो खाएंगे। ऑथेंटिक खाना खाना चाहिए ना यहाँ पे। बारात भी जा रही है सामने, पहाड़ी पहाड़ी बारात जा रही है। ये पहाड़ी बारात जा रही है, वाओ। सबने पिछौड़ा पहन रखा है, सबने पिछौड़ा नथ पहनी हुई है, शादी है। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, भीमताल से निकल रहे हैं हम लोग और पहुँचते हैं फिर अल्मोड़ा। तो हम लोग नीम करोली बाबा पहुँच चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा जाम लगा है, बहुत भीड़ हो गई है नीम करोली बाबा, बहुत भीड़ हो गई नीम करोली बाबा के यहाँ। ये है आश्रम नीम करोली बाबा का। ये नीम करोली बाबा का आश्रम, मैं पहली बार आई हूँ, पिंचू पहले भी आया है। अभी तो हम अंदर जा नहीं सकते, अभी हम लोग अंदर जा नहीं सकते, लेकिन दूर से ही बाबा को राम राम जय हो बाबा की। हेलो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे खैरना में रुके हैं और जो मैं आपको जोई भात की बात बता रही थी, तो ये हमारा जोई भात है। ये कड़ी जैसा दिखने में है लेकिन ये है जोई भात और यहाँ का खाना बहुत फेमस है। क्या रेस्टोरेंट का नाम क्या है? रेस्टोरेंट का नाम तो नहीं पता, हम मतलब यहाँ पे रहते हैं। खैरना, खैरना में है एक रेस्टोरेंट, क्या है नाम? खैरना मोड़ पर। खैरना मोड़ पर है, अच्छा बनाया है इसने। यहाँ हमने मंगाया है जोई भात, राजमा चावल और रायता। राजमा भात और ये जोई भात और ये रैत बोलते हैं भाई रायता को और ये चट। तो देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। काइंड ऑफ कड़ी, बट कड़ी नहीं है, उससे पतला है, अच्छा बनाया। यहाँ हम लोग रानी खेत 31 अल्मोड़ा 33 40 हम निकल चुके हैं अल्मोड़ा की ओर, खैरना से निकल चुके हैं। पकौड़ी कितनी जबरदस्त हो रही थी बैंक, बहुत टेस्टी बवाल, खतरनाक ही पकौड़ी हो रही थी, पेट भर गया। आगे से पहाड़ी नूड़ मिलता है, बहुत टेस्टी पकौड़ी थी। आगे से पहाड़ी नूड़, इट्स नमक, आई थिंक पहाड़ी नमक मिलेगा आगे नूड़। पहाड़ी नमक को दही में डाल के यार बहुत टेस्टी लगता है, दही में डाल के खाने में जो बात है ना। अंदर खाने की खबर है बहुत ये हर किसी को नहीं पता। मोड़ा अब 13 किलोमीटर दूर रह गया है, हम लोग पहुंच जाएंगे 15-20 मिनट में। चढ़ाई है यहाँ से अल्मोड़ा की, चढ़ाई शुरू सीधा अल्मोड़ा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। 5 किलोमीटर घर है हमारा, 5 किलोमीटर में घर है हमारा, ये है अल्मोड़ा। ये धूप सेक रहे हैं यार, अल्मोड़ा है। और ये यहाँ घर हो और पहाड़ों के बीच में जैसे हमारा हो आपका भी हो, जैसे हमारा घर है आपका भी घर हो पहाड़ों में। ये पिंचू की तरफ से विशेष आई है, जैसे हमारा घर है ऐसे आपका भी घर हो पहाड़ों में। पिंचू यहाँ 4th टाइम आ रहा है। 4th टाइम मतलब
मतलब ड्राई फूड का इनका था। कितने तुम बचपन से आते हो यहाँ पे? मैं तो बचपन से आ रहा है। देख रहे हो ये यहीं पला बड़ा है बचपन में ही, ये अल्मोड़ा में घूम रहा था। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा नानी के घर, और आप लोग देख सकते हैं अल्मोड़ा, ये नानी रहती थी यहाँ पिंजू की, अब नानी नहीं है तो मामा मामी रहते हैं यहाँ पर। तो हम लोग फाइनली अल्मोड़ा पहुंच गए हैं। अरे वाह, यहाँ पे भी एक रूम है। हम पहुंच गए हैं, मामी है हमारी। हाँ, अरे वाह, यहाँ पीछे, यहाँ पर तो इन्होंने मुर्गा भी रखा हुआ है। देखो गाइस, मैं आपको पहाड़ी मुर्गे दिखाता हूँ। ये देखो काकड़नाथ भी है हमारे पास, पूरा काकड़नाथ। ओह माय गॉड, बड़े भाई, कितने बड़े हैं ये। पहले यहाँ डिग्गी हुआ करती थी, यहाँ मछलियाँ पालते थे हम लोग। लो है ना, सो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर रहकर। और यहाँ पे क्या है? ये पूरा नांदी। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। हम घूमने जाएंगे, कहाँ जाएंगे पिंजू? ऊपर को कसार देवी जाएंगे, फिर उसके बाद अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। पिंजू ने बहुत ड्राइव किया है। ये नानी का घर अभी हम, और यहाँ पे अंदर पिंजू अंदर बैठा है। अभी पूरन नाना जी हैं यहाँ पे, और ये ये पूरन नाना जी है हमारे। ये ओरिजिनल शिवाहोलिक है, शिवाहोलिक से बनाया है ये ओरिजिनल शिवाहोलिक। इनकी खुद से खींची फोटो है। दिल्ली नोएडा के नोएडा आजकल समझ नहीं पाएंगे शिवाहोलिक होना किसे कहते हैं। शिवाहोलिक है नाना जी, बहुत बढ़िया। ये वो वहाँ है नहीं है, क्या कहते हैं इसको, नाना जी बीड़ी फूंक दे रहे हैं। क्या वो है, वो एंजॉय में जहाँ वो, अरे ये जो ऊपर वाली पिक्चर है नहीं, कहाँ पर हुआ नाना जी? ये है तुम्हारे कैसा लगा शालू यहाँ आके? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। चलो तो दोस्तों, अब हम लोग, हमने चाय नाश्ता कर लिया है और अब हम लोग कसार देवी के लिए जा रहे हैं। थोड़ा घूम के आते हैं, वहाँ का सनसेट देख के आ रहे हैं। हम लोग कसार देवी के लिए रवाना हो रहे हैं, और फिर वहाँ का सनसेट दिखाती हूँ आप लोग को पहुँच कर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे नानी के यहाँ पे। अच्छा मौसम है, पहाड़ हमेशा से अच्छे थे, बहुत पीस है। प्लीज़ आप आओ तो अल्मोड़ा पहाड़ ज़रूर आओ, जैसे लोग आ ही रहे हैं एज़ यूजुअल, बट अच्छा लगता है यहाँ पे आके ऑनेस्टली। ये हम कसार देवी को हिट रहे हैं, हिटो कसार देवी को हिटो, पहाड़ी में हिटो बोलते हैं जाना। हम कसार देवी को हिट रहे हैं, बहुत सुंदर रास्ता है कसार देवी का, और बहुत सुंदर, हम सनसेट देखने जा रहे हैं, बहुत सुंदर। यही रोड आगे बिनसर महादेव जाती है, बिनसर जहाँ पे मेडिटेशन के लिए आते थे लोग। ये मंदिर है मेन कसार देवी का। अच्छा, ये वाला, अच्छा, यहाँ से रास्ता जाता है 600-700 मीटर ऊपर कसार देवी का मंदिर। ट्रैक है कसार देवी का, हाइक। अच्छा, छोटी सी हाइक है कसार देवी तक की। चलो हम लोग पहुंच रहे हैं, डॉगी आपको दिखाते हैं। माउंटेन लाइट चाय कॉर्नर, व्यू बहुत, इसका यहाँ की रोड बहुत अच्छी है यार कसार देवी की, देखो बहुत ही सुंदर, और इतना ट्रैफिक भी नहीं है, लोग कम है। चिल करने आता है अपना, ये पूरा वैली का व्यू मिलता है अल्मोड़ा का, लोग से यहाँ चिल करने आते हैं, बहुत प्यारा प्लेस है। बाकी हम जो कैफे में जाएंगे वो तब दिखाते हैं क्या सीन है आगे का। ओके
ओके मस्ट विजिट है, अगर आप अल्मोड़ा आ रहे हो तो कसार देवी तो आओ ही आओ। कसार देवी आना है, कुछ ना कुछ तो सही होगा आपके साथ। तो हम लोग कसार देवी में कैफे में पहुंचे हैं, द कसार किचन, द कसार किचन है, बहुत अच्छा व्यू है, हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये कैफे है, पिंजू जा रहा है आगे, यहाँ पे पिंजू पहले आया है तो उसे पता है हमें कहाँ जाना है, मैं पहली बार आई हूँ। माय गॉड व्यू, बहुत अच्छी जगह कैफे है यार। तो दोस्तों हम लोग कसार देवी के जो इस कैफे में हम आए थे, यहाँ से हमने कुछ खा पी लिया है। अब बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, एक और कैफे जा रहे हैं, या तो उस कैफे में जाएंगे या फिर घर जाएंगे अगर बंद नहीं हुआ होगा तो। ये एल हीटो कैफे है, कैफे ओपन फॉर ऑल। यहाँ गणेश जी भी आ गए, थोड़ा सा ऊपर को है, बहुत ठंडा है। ओह माय गॉड, इतना ऊपर, बहुत थक गए। यू कैन सी द व्यू, लाइक वी हैव इन कैफे, सो दिस इज द व्यू। लोगों को तो दोस्तों हम लोग घर आ चुके हैं अब, और मामा ने कैफे में घूम के, और मामा ने सगड़ जला रखी है, सगड़ जलाई हुई है, खतरनाक हो रहे हैं मामा। हाँ। अब ठंड नहीं लग रही है हमें, और हमारे पास जेरी भी है, जेरी जेरी, ये यूट्यूब के लिए कर देती है एक्टिंग, कर दी इनने ले। ठीक है दोस्तों, बाद में मिलते हैं, जेरी को प्यार दिए थोड़ा अभी। अब जेरी कितनी शैतानी करने के बाद हम लोग अब दूसरे मामा जी के यहाँ पे आए हैं। सब अपने ही हैं, ये सब बगल में रहते हैं, देखो हम पूरा वुडन का, पूरा वुडन फर्निशिंग है, पूरा वुडन का सीलिंग, पूरी वुडन। ये मानस है, मानस आए कहते हैं। क्यूट, मानस तो बहुत क्यूट हो। अभी खाना लग रहा है और इतने पिंचू जेरी के साथ खेल रहा है। जेरी 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 बप्पी लहरी।